आखिर क्यों मारुति सुजुकी या बाकी कार ब्रांड्स के मुताबिक इंडिया में बहुत ही ज्यादा आगे है? क्योंकि अगर मैं डेटा के हिसाब से बात करूं तो दिसंबर 2022 में इस एक महीने में जहां पर टाटा मोटर्स ने 40,000 गाड़ियां सेल की थी, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 28,000, हुंडई ने 38,000, होंडा ने 7,000 और किया ने 15,000 गाड़ियां सेल की थी, उसी एक महीने में मारुति सुजुकी ने सेल कर दी थी 1,12,000 गाड़ियां। तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? और अगर मैं फैक्ट्स के हिसाब से बात करूं तो इंडिया के अंदर हर जो दो गाड़ियां बिकती है उसमें एक गाड़ी होती है मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी ऐसी कौन सी पॉलिसी अपनाते हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा मार्केट शेयर को कैप्चर कर पा रहा है? तो इसका एक ही सिंपल आंसर है, वो है चीप एंड अफोर्डेबल प्राइसिंग। जी हाँ, अगर आप कंपैरेटिवली देखोगे तो मारुति सुजुकी की जो कार्स है वो बाकी कार ब्रांड्स के मुताबिक बहुत ही ज्यादा सस्ती होती है, और इंडिया में मेजोरिटी मिडिल क्लास पब्लिक ज्यादा है तो वो प्रेफर करती है मारुति एंड सुजुकी को अबव अदर ब्रांड्स, क्योंकि कंफर्ट, क्लास, सेफ्टी, ये सारी चीजें इंडियंस के लिए बाद में आती है। पहला जो सबसे पहला प्राइम रीजन आता है वो है आपके पास पैसा कितना है, और मारुति सुजुकी के पास हर वो गाड़ी है हर बजट में, लो से लो बजट में भी एक बंदा अच्छी से अच्छी गाड़ी खरीद सकता है, भले उसमें सेफ्टी इश्यूज होते हैं वो बात अलग है, लेकिन चीप प्राइसेस होने की वजह से मारुति सुजुकी इंडिया का नंबर वन कार ब्रांड बन चुका है।